मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन। अब हमें पता है पहले हमको डिवाइड सॉल्व करना रहता है, 6 2 12 यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस ये 28 माइनस 14 7 98 होता है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 30 माइनस 98 तो आंसर आ जाएगा 68 और वो माइनस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि बेस समान है 5 5 5 5, तो ये सब ऐड हो जाएगा ये, तो बस कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीका 8 प्लस 6 प्लस 3 17 आंसर है इसका, ठीक है। 66,000 रुपीज़ का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज बताना है, तो फिर सिंपल तरीका वही है जो बेसिक है जो हम लोग करते आ रहे हैं, 66,000 है, 10% है इंटू 2 वर्ष और 6 माह बोला है, तो 2 वर्ष को एज इट इज़ रहने देंगे, 6 माह 6 अपॉन 12, तो ये 2 का 2 रहेगा, प्लस 1 बाई 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 5 अपॉन 2, तो यहाँ पे हम लोग 5 बाई 2 लिख देंगे, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे, सोलह हजार 500 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, मूलधन क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 16% है और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए, मतलब 32% पे हमें कितना मिलता है, 800 रुपये मिलता है। हमको मूलधन निकालना है, मूलधन हमेशा हम 100 मानते हैं, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 इंटू ये 800 और ये 32 नीचे चला जाएगा, अब इसे काट देना है, 8 चौक 32 और ये 4 से कट जाएगा, तो 4 2 8 तो आंसर आ जाएगा मूलधन हमारा 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 8000 में बेची जाती है तो क्रय मूल्य क्या होगा, 25% लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125% की वैल्यू दी हुई है 8000 की, हमको क्रय मूल्य बताना है, सीपी बताना है, यानी 100% की वैल्यू बताना है, तो 100 इंटू 8000 अपॉन ये 125 नीचे चला जाएगा, 25 पंचे 125 25 चौक 100 होता है, 5 एकम 5 आंसर आ जाएगा 6400। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पी क्यू और आर ने मिलकर व्यापार शुरू किया, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने रिसर्च किया हुआ है और ये क्वेश्चन निकाले हैं, इसे नोट करिएगा। पी क्यू और आर ने मिलकर व्यापार शुरू किया, पी ने 15,008 माह के लिए लगाया है, क्यू ने 12,009 माह के लिए लगाया है, 15,000 × 8 क्यू 12,000 लगा रहा है 9 माह के लिए, और ये 8,000 लगा रहा है आर पूरे वर्ष के लिए, मैंने 12 महीने के लिए, और इसका पूरा साल भर बिजनेस चलता है, तो बस अब रेशियो निकाल देना है, ये 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो कट जाएगा, 3 3 5 15 3 3 9 3 4 12 ये 10 9 और 8 हमारा रेशियो हो गया, और इसका टोटल कर देंगे, 10 प्लस 9 19 27 हो रहा है इसका टोटल, और 27 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में कितने, 10,800 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 10,800 को 27 से डिवाइड कर देंगे, चार सौ आ रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको, ये 400 आया, पी और आर के लाभ का अंतर बताइए, ये पी है और ये आर है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 माइनस 8 2 हुआ, तो इनका अंतर क्या हो गया, ये 2 तो हुआ ही, और इनटू हम 4 से 400 से करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 800 रुपये।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है, ठीक है। इसका मैं एकदम शॉर्टकट बताती हूँ। उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है तो अम्ल और पानी का नए मिश्रण का अनुपात कितना होगा। 25 लीटर का मिश्रण है, इसमें अम्ल है और पानी दिया हुआ है जो 4 और 1 के रेशियो में है। अब इनका टोटल करेंगे, 4+1 5 होता है। 5 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन है 25 लीटर के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 के बराबर। अब इनको 5 से मल्टीप्लाई, 5 से 5 और 20, 20 अम्ल हो गया 20 लीटर और पानी हो गया 5 लीटर। और क्वेश्चन में बोला क्या है, 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा और इसमें 3 लीटर ऐड हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 लीटर। अब बस रेशियो निकालना है, 4 से काट देंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 5:2 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 5:1 है, 5 लीटर पानी मिलाने पर अम्ल और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है, मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी आपको, पहले ट्रेडिशनल मेथड देख लीजिए, अगर एग्ज़ाम में जो भी क्लिक किए आप उससे पहले बना सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ये है कि अम्ल और पानी दिया हुआ है, अम्ल 5 है 5x और पानी है 1 यानी कि 1x, और अम्ल में तो कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, पानी ही मिला रहा है 5 लीटर एक्स्ट्रा, तो इसलिए हम लोगों ने 5 लीटर पानी मिलाया है। और ये हो कितना जाता है, 5:2 हो जाता है, यानी कि 5/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10x हो जाएगा और इधर से ये 5x + 25, माइनस करेंगे 10 - 5 5x = 25, x निकल गया 5। फिर हमको निकालना है अम्ल की मात्रा कितनी है, तो ये 5x है तो 5 × 5 25 लीटर आंसर है। अब शॉर्ट ट्रिक करेंगे हम लोग, अम्ल और पानी का अनुपात 5:1 है, 5 और 1, ठीक है, और 5 लीटर पानी मिला रहा है और अम्ल और पानी का अनुपात 5:2 हो जा रहा है, तो ये तो अच्छा है, 5 है तो 5 ही रहेगा ही, क्योंकि इसमें तो कुछ छेड़छाड़ हो नहीं रहा है, पानी बढ़ गया है 2, 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 से बढ़ के 2 हो गया, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 5 के बराबर है, क्योंकि 5 लीटर पानी मिला रहे हैं। तो हमसे पूछा है पानी में मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, इस अम्ल की मात्रा हमको बतानी है 5:1 की, तो 5 × 5 = 25 लीटर आंसर है।